हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना के डालते हैं, शॉर्ट्स का आपका चैनल है और आप शॉर्ट्स बना बना के थक गए हैं, लेकिन अभी तक आपको शॉर्ट्स फंड नहीं मिला है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको शॉर्ट्स फंड कब मिलता है और शॉर्ट फंड्स पाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो छोटी सी है पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो में जिसका सबसे पहला कमेंट था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करें और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी इनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और इन्हें अपना पूरा पूरा सपोर्ट दें। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं आपको इसे अच्छे से सिंपल तरीके से समझा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube शॉर्ट फंड $10 करोड़ का एक फंड है। यह उन क्रिएटर्स को इनाम देने के लिए बनाया गया है जो क्रिएटिव और ओरिजिनल शॉर्ट्स बनाकर YouTube कम्युनिटी को बेहतर कंटेंट देते हैं। मतलब जो अपना खुद का क्रिएटिव और ओरिजिनल, मतलब खुद का कंटेंट जो बनाते हैं और YouTube कम्युनिटी को वो एक बेहतर कंटेंट देते हैं, ये उन लोगों को, उन क्रिएटर्स को इनाम देने के लिए बनाया गया है। हम हर महीने ऐसे हजारों क्रिएटर से संपर्क करेंगे जो शॉर्ट्स बोनस से जुड़ी शर्तों को पूरी करते हैं। इन क्रिएटर्स को फंड में से बोनस दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है, यूट्यूब शॉर्ट फंड से बोनस पाने की जरूरी शर्तें पूरी करने के लिए, मतलब आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको आपके चैनल पे होनी चाहिए, आपके जो शॉर्ट्स आप बनाते हैं वो इनको फुलफिल करनी चाहिए। तो सबसे पहली क्या है, जरूरी है कि चैनल पर पिछले 180 दिनों में जरूरी शर्तें पूरी करने वाला कम से कम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया हो। मतलब पिछले 6 महीने के अंदर आपके YouTube का जो शॉर्ट का चैनल है, आपने कम से कम एक शॉर्ट वीडियो जरूर अपलोड करनी है पिछले 6 महीने के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है, चैनलों को YouTube के कम्युनिटी दिशा निर्देशों, कॉपीराइट के नियमों और कमाई करने से जुड़ी नीतियों का पालन करना होगा। मतलब आपका जो चैनल है उस पर किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए आपकी वीडियो में। ठीक है, जो आपके कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जो YouTube की, उनका पालन करना होगा आपको अगर आपको शॉर्ट्स फंड लेना है तो। ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। अब नंबर 3 पे है, ऐसे चैनलों को बोनस नहीं मिलेगा जो किसी तीसरे पक्ष के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वाटरमार्क या लोगो वाले वीडियो या किसी अन्य क्रिएटर के बनाए हुए वीडियो अपलोड करते हैं। मतलब आप अगर ऐसे किसी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ से किसी की भी वीडियो उठा के आप डायरेक्ट अपने यहाँ पे शॉर्ट्स वाले चैनल पे डालेंगे तो वो आपका जो भी बोनस है उसको उन चैनलों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें वाटरमार्क लगा होता है, उसका लोगो लगा होता है। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम का लोगो लगा होता है या फेसबुक का लोगो लगा होता है तो वो लोगो वाला है होगा, तो उससे ऐसे चैनलों को बोनस नहीं मिलेगा। इनमें वो चैनल भी आते हैं जो खुद के ओरिजिनल वीडियो अपलोड नहीं करते, जैसे कि फिल्मों या टीवी शो से ली गई क्लिप को बिना बदलाव के अपलोड करने वाले चैनल। अगर आप किसी फिल्म की या टीवी शो की कोई भी क्लिप उठा के अपने शॉर्ट्स वीडियो बना के उसको डाल देते हैं तो ऐसे चैनलों को भी बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट है इसमें, अमेरिका में क्रिएटर्स की उम्र 13 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अमेरिका के रहने वाले हैं, वहाँ से शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं तो आपकी उम्र जो है वो 13 साल से या 13 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो अन्य देश हैं उनकी उम्र, वहाँ की जो मेजोरिटी की उम्र है, मतलब जितनी उम्र वहाँ पे जो कर रखी है गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से, उससे ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये 4th पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, जिन क्रिएटर्स की उम्र 13 से 18 साल के बीच है उनके लिए यह जरूरी है कि उनके माता पिता या अभिभावक शर्तें स्वीकार करें। साथ ही अगर उनके चैनल से पहले से कोई एडसेंस खाता नहीं जुड़ा है तो उन्हें पेमेंट के लिए एडसेंस खाता सेटअप करना होगा। इसमें यह है कि अगर आपकी उम्र 13 से 18 साल के बीच है तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स का किसी का भी एडसेंस अकाउंट वहां पे बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि उनके चैनल से पहले कोई एडसेंस खाता नहीं जुड़ा होना चाहिए, मतलब पहले से कोई उनका एडसेंस नहीं बना होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे है सिक्स्थ पॉइंट, यह जरूरी है कि क्रिएटर्स इनमें से किसी देश इलाके में रहते हो। यहाँ पे नीचे आपको ये काफी सारी कंट्रीज दे रखी हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में रहते हैं तो आपको शॉर्ट फंड मिलेगा, अगर आप इनसे अलग किसी कंट्री में हैं तो आपको यूट्यूब शॉर्ट फंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गए। इसके बाद यहाँ पे नीचे और ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे चैनल भी बोनस हासिल कर सकते हैं जो यूट्यूब पर अभी कमाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पार्टनर कार्यक्रम के क्रिएटर्स और कई चैनल के नेटवर्क से जुड़े चैनलों को भी ये बोनस मिल सकता है। तो ये से 6 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने शॉर्ट्स बनाते टाइम। ये 6 के 6 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आसान भाषा में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये पता लग गया होगा कि शॉर्ट्स फंड पाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, आपको कब मिलेगा शॉर्ट फंड, सब मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।